हेलो एवरी वन दिस इज आशी जैन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डूंगट इज़ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट देखिए ये चैप्टर जो है प्रोसेसिंग कॉस्टिंग का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है दैट मीन्स प्रोसेसिंग कोस्टिंग का ही नेक्स्ट टॉपिक है देखिए जो हमने प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में पढ़ा था वो मैंने वहाँ पर तो बहुत तो दिया था लाइक like, uh, कि हमने वो चैप्टर वहाँ पर फिनिश कर लिया

तो देखो इसको सब में वैसे दे वैसे देखिए ये चैप्टर कंसेप्ट जो है बहुत बहुत ईजी है देखिए अगर मैंने कोई चैप्टर ईजी बोला दैट मीन्स इट इज़ सीरियसली इजी आई एम नॉट लाइक इट्स सीरियसली वेरी इजी सो बिफोर आई गो टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पहले हमें कुछ इसका एक सिंपल प्रोसेस होना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट आया क्यों ठीक है तो मान लीजिए देखिए आपने एक मशीनरी है ठीक है मान लीजिए कोई प्रोसेस वन है ये प्रोसेस वन है एंड यहाँ पर आपने कोई एक मटेरियल जो आपने ऐड किया था फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट जो दिया था वो क्या दिया था दैट इज प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए में आपने जो है प्रोसेस वन किया उसको उसको प्रोसेस किया ठीक है एंड उस प्रोसेस में आपने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए से मटेरियल लेबर ओवरहेड यानी कि प्रोसेस वन में प्रोडक्ट ए का फाइनल प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए ये सारे खर्चे हुए कौन कौन से मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ठीक है बट जब प्रोसेस आपने ये क्या है देखो मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो आपने ये ये है क्या ये बेसिकली है एक इनपुट ये आपने इस मशीनरी में यानी कि प्रोसेस वन में आपने इसको एज अ इनपुट आपने इस मशीन में इसको डाला था ठीक है बट निकल के क्या आ रहा है यानी कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है इसके आउटपुट आ रहे हैं बेसिकली दो प्रोडक्ट कौन कौन से एक आ रहा है प्रोडक्ट ए सॉरी मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स लेते हैं प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई मैं फिर से भी कहता हूँ आपने एक मशीनरी में प्रोडक्ट एज इनपुट वहाँ पर डाला और उसको आपने प्रोसेस किया प्रोसेस वन हो गया आपने, ठीक है और जब उस पर जब आउटपुट निकला तो उसमें दो प्रोडक्ट आपके निकले एज आउटपुट दैट इज़ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई ठीक है अब इसके बाद आपने इसी में ही कुछ और फर्दर आपने प्रोसेस किया ठीक है तो उसको जब आपने प्रोसेस किया तब आपके जो हाथ में आया वो आया प्रोडक्ट मान लीजिए ए वन एंड यहाँ पर आया प्रोडक्ट बी वन ठीक है इनमें आपने जो कुछ फर्दर प्रोसेस जो वो किया यानी कि प्रोडक्ट वाई को आपने फर्दर प्रोसेस किया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट एक्स को आपने जब फर्दर प्रोसेस किया तब आपके हाथ में क्या है तो यहाँ पर भी आपने देखिए ऑब्वियसली आपने मटेरियल लगाया होगा कुछ एडिशनल लेबर भी आपने कुछ खर्चा किया होगा कुछ इनडेट एक्सपेंस भी आपने कट किए होंगे ठीक है तो जैसे ही ऐसे यहाँ पर भी आपने देखिए कुछ मटेरियल आपने कट किया होगा लेबर भी एंड ओवरहेड्स भी ठीक है दैट मीन्स इस जो आपने बनाया ये जो बनाए आपने बनाया ये ये आपका जो इनकट हुआ ये किसम हुआ ये आपका मानेजिए हुआ ये प्रोसेस टू में और ये जो इनकट हुआ ये कहाँ पे हुआ ये हुआ प्रोसेस थ्री में तो देखिए प्रोसेस वन में आपने इनपुट क्या डाला प्रोडक्ट ए एंड प्रोसेस वन में जब आपका कोई एक आउटपुट जो निकला दो तरह के आपके निकले प्रोडक्ट कौन कौन से आपने निकले दैट इज प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई ठीक है आपने फिर इनको फर्दर आपने प्रोसेस किया ठीक है तो आपके हाथ में जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या है प्रोडक्ट ए वन एंड प्रोडक्ट बी बी वन प्रोडक्ट ए वन में कौन सा प्रोसेस हुआ दैट इज प्रोडक्ट दैट इज प्रोसेस सेकेंड एंड प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हुआ दैट इज प्रोसेस थर्ड ठीक है तो देखिए इनको क्या बोलेंगे जो आपके जो एडिशनल जो आपके खर्चे हुए ये क्या है दैट इज ये आपके फर्दर प्रोसेसिंग ठीक है ठीके? अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या जैसे माने अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपके टोटल खर्चा कितना हुआ आई रिपीट आप आपने से अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट ए वन को बनाने के लिए आपको टोटल कितना खर्चा हुआ तो आप कैसे बोलोगे आपके देखिए ये जो खर्चे हैं तो आपके ऑलरेडी आपकी हैं यहाँ पर सेपरेटली कोई दिक्कत नहीं है देखिए प्रोडक्ट ए वन और प्रोडक्ट बी के ये तो अपने खर्चे सेपरेट ऑलरेडी हैं बट द थिंग इज कि जो प्रोडक्ट ए वन निकला है वो कहाँ से निकला है प्रोडक्ट एक्स से निकला है और प्रोडक्ट एक्स जो है वो प्रोसेस वन में हो गया था ठीक है और प्रोसेस वन में ये सब एक्सपेंसि एक्सपेंडिचर भी हो चुके हैं और जो कि ये दोनों में इंकुड है किसमें प्रोडक्ट ए वन में प्रोडक्ट बी वन में तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है दैट इज टू अपोर्शन अपन दीज कॉस्ट अमंग दी गुड्स कौन से कोस्ट ये वाले कोस्ट देखो जो ये जो कोस्ट होते हैं ना इनको बोलते हैं हम या फिर इसका दूसरा नाम है हमसे प्री सेपरेशन कोस्ट।, कोस्ट ऐसे ही इनको कोस्ट को क्या बोलेंगे इन कोस्ट को हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेस कोस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट एज वेल एज पोस्ट कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट यानी कि जो खर्चा हुआ ज्वाइंटली हुआ इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट का ए वन का भी एंड बी वन का भी हमें बेसिकली पूरे चैप्टर में यही समझना है कि हाउ टू अपोशन अब आप बोलो कि सर ये तो समझ आ गया लेकिन हमें अब तक तो ये नहीं समझ आया सर जो टॉपिक का नाम है जॉइन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ये तो आपने अब तक समझाया नहीं है अभी समझते हैं पहले एक बार हम इसका ऑब्जेक्टिव समझने इसका ऑब्जेक्टिव हमने अभी क्या समझा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दैट इज टू अमंग ऑल फिनिश गुड्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अब समझने है, समझते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट देखिए वैसे तो आपको मैं इन बता दूँ हमको हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें निकालनी है कि वट इज़ दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑल फिनिश गुड्स हमें अगर है कि प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट कितनी है एंड प्रोडक्ट बी वन की कितनी कॉस्ट आई है वो कैसे निकालोगे अपोर्शन करोगे उसके बाद करोगे ठीक है तो पहले अपोर्शन करोगे उसके बाद निकालोगे कि, निकालो कि अलग अलग जो फिनिश गुड्स निकालें आपने उनकी टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आई है ठीक है तो यहाँ पर आप चाहे ज्वाइन प्रोडक्ट बना लो चाहे बायो प्रोडक्ट बना लो तरीका एक ही है बट हाँ मीनिंग अलग अलग है तो अभी जो मीनिंग समझेंगे वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए है कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है एंड बायो प्रोडक्ट क्या होता है बट टू कैलकुलेट दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज ऑल सेम ठीक है मीन्स मैथड चेंज होने वाला मैथड एक ही है तो समझते हैं यहाँ पर पहले कि यहाँ पर कि जॉइन प्रोडक्ट होता क्या है यहाँ पर मीनिंग होता है दैट इज वेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम बेसिक रॉ मटेरियल And are almost of equal value. सर इसका so, मतलब क्या है जैसे एग्जाम्पल बोलूँ मैं आ, आपने इनपुट किया सपोज क्रूड ऑयल ठीक है एंड आपने इससे दो पोट बनाए क्या क्या बनाया पेट्रोल एंड डीजल ठीक है मीन्स आपने प्रोडक्ट तो एक डाला एज इनपुट बट आपके दो आउटपुट आए दैट इज कॉल्ड पेट्रोल एंड डीजल देखिये ज्वाइन प्रोडक्ट का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है दैट जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के आपको क्या बनाना है वही प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट यानी कि जो आपका मोटिव था बनाने का वही बन के आया है तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट तो देखिए पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही देखिए सेम बेसिक रो मेटेल्स हैं ठीक है इसलिए इसको बोलते हैं हम जॉइन प्रोडक्ट ठीक है पेट्रोल की जो कीमत है ठीक है अगर हम लाइक क्रूड पेट्रोल बोलें या क्रूड डीजल बोलें ठीक है तो देखिए दोनों की जो है ऑलमोस्ट जो रिफाइनरी जो कोस्ट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है मैं ये भी नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट सेम होती है ठीक है ऑलमोस्ट मीन्स डेसिमल का ही फर्क आता है और कुछ नहीं ठीक है वैसे वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये बाया प्रोडक्ट क्या होते हैं

Incidental waste arising during the course of manufacture of main product. देखिए अगर मैं कुछ एग्जाम्पल हूं जैसे देखिए मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट जैसे देखिए शुगर इंडस्ट्री में शुगर मिल में आपने क्या बनाए शुगर बनाए लेकिन साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन गए क्या क्या लाइक सपोज मोल एंड ठीक है जैसे मैं आपको एक छोटा एक दे देता हूँ जैसे देखिए अगर आप मान लीजिए दो प्रोडक्ट बना रहे हो ठीक है दोनों के मान लीजिए ऑलमोस्ट तो कॉस्ट जो कितनी कितनी हंड्रेड रुपीज है लेकिन एक तीसरा बाय प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया लेकिन इसकी जो तो Uh, जो सेलेबल वैल्यू रिला्यू कितनी है सपोज वन रुपी टू रुपी इतनी है यानी कि बिल्कुल ही neglig, कहते, negligible amount आपको हो से। लेकिन तैयार होगा क्या करें लेकिन तो बेचोगे ना ठीक है तो ये जो एज इंसिडेंटल वेस्ट जो आपका बनकर तैयार होगा उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ठीक है अब ऐसे शुगर में शुगर मिल में आपने देखे देखे जैसे शुगर शुगर बना ठीक है लेकिन बाय प्रोडक्ट देखिए बनके क्या क्या तैयार होगा ठीक है ये क्या होता है बेसिकली जैसे देखो जो लाइक जो बाइंग प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है थीके? ये उनके लिए बेसिकली ये मटेरियल जो है उनके लिए होता है तो ये वो इंडस्ट्री परचेस करती है ठीक है ऐसे ही मैं अगर एग्जाम्पल लूँ सपोज कॉटन टेक्सटाइल का तो वहाँ पर देखिए कॉटन टेक्सटाइल मीन्स जो कपड़ा बनकर तैयार हो गया ठीक है लेकिन वेस्ट करने के लिए कॉटन इसकी भी यूज देखिए सेलेबल वेल्ट होती है ठीक है तो ये क्या बन क्या हो गया आपका ये बायो प्रोडक्ट ठीक है ऐसे काफी सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं तो ये मैं आपको बताऊँज वोडक्ट तो ये बट याद रखना आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है किसके लिए टू फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ फाइनिश गुड्स ठीक है अब देखिए यहाँ पे देखने हमें कि हमें वट आर मेथड्स ऑफ अपोर्शमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि आपको मेनली करना क्या है दट इज अपॉर्समेंट ऑफ कॉस्ट करनी है तो उसके हम कुछ मेथड्स भी हैं क्या क्या है, वो हैं वो देखते हैं मेथड्स ऑफ अपॉशमेंट ऑफ कॉस्ट फर्स्ट वन इज सेल्स वैल्यू मेथड सेकेंड वन इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू थर्ड वन इज फिजिकल यूनिट्स मेथड फोर्थ वन इज एवरेज यूनिट कोस्ट मेथड

प्रोड्यूस फॉर ज्वाइंट प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी कोस्ट पर टन ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इज अंडर देखिए इनपुट क्या डाला दैट इज प्रोडक्ट मटीरियल एक्स एंड बने क्या जॉइंट मटीरियल क्या क्या बने आपके जॉइंट प्रोडक्ट क्या बने ए बी एंड सी ए बी सी एन डी तो ये आपको कुछ प्रोडक्ट एक्स से खर्चे क्या क्या हुए मटीरियल कोश कितना दैट इज दिस लेबर कोस्ट कितना दैट इज दिस टोटल टू थाउजेंड टू हंड ट्वेंटी फाइव तो देखिये ये क्या होगा देखिये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स को जब इनपुट डाला और जब जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एंड ए बी सी एंड डी ठीक है इनको बनाने के लिए ओवरऑल जो खर्चा वो ये हुआ तो ये ओवरलो खर्चा क्या वो जॉइंट जॉइंट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट को दूसरा ना क्या होते हैं ठीक है अब बोल रहे हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट येड फाइव फोर्टी वन एट्टी हंड्रेड एंड एटी एंड के जी रिस्पेक्टिवली रेस्ट बिंग नॉर्मल वेस्ट अ पोर्शन टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स टू इच वन ऑफ द्वाइट कॉस्ट अपॉर्शम दी ज्वाइंट कॉस्ट ऑन दी बेसिस ऑफ वेट ठीक है तो देखिये यहाँ पर आप कौन सा मेथड पर देट इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट ठीक है तो यहां पर लिखेंगे अपॉर्शमेंट ऑन देश ऑफ फिजिकल यूनिट यानी कि आपसे ये वेट के हिसाब से गुजरे हैं गे गे के जी के हिसाब से ठीक है तो देखिये सिंपल है कैसे करें देखिये फर्स्ट क्वेश्चन पर हेडिंग लिखेंगे देखिए ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट आपको गिवन है दैट इज अमाउंटिंग रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आपको इसको अपोर्शन करना है अपोर्शन करना कैसे है अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स यहां पर ले सकते हो फिजिकल यूनिट भी ले सकते हो तो? तो देखिए कैसे करना है इसको ए का कैसे निकालेंगे देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है दैट इज़ टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसका देखिए ए का जो फिनिश गुड्स है उसका वेट कितना था फाइव फोर्टी एंड टोटल ऑफ ऑल दिस देखिए कितना आएगा दैट इज़ फाइव फोर्टी प्लस वन एट्टी प्लस हंड्रेड एंटीन प्लस सिक्सटी टू डेट वुड बी नाइन हंड्रेड तो बस ऐसे ही करना है ईजीली देखिए ए का कितना है फाइव फोर्टी ओवरऑल वेट्स ऑफ ऑल ज्वाइंट कॉस्ट जॉइन प्रोडक्ट कितना है नाइन हंड्रेड सो दैट विल बी एकवल टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सही मैसे आपको बी ए का करना है आपको अपोशन करना है दिस वैल्यू को ठीक है इसकी देखिए आपके के जी में वेट कितना दैट इज़ वन हंड्रेड एंड एट्टीन सो वन एटीन डिवाइड बाई नाइन हंड्रेड इक्वल टू फाइव फोर्टी ऐसे ही सी करें करें का करेंगे देखिए सी का कैसे करेंगे देखिए टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी का मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज़ हंड्रेड एंड एटीन सो हंड्रेड एंड एटीन डिवाइड बाय नाइन हंड्रेड दैट इज इक्वल टू टू नाइनटी फाइव फिर डी का निकालेंगे टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी टू नाइन हंड्रेड सो दैट विल इक्वल टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव दैट्स इट ईजी है तो आपसे देखिए हम जो स्टार्टिंग जितने क्वेश्चन करेंगे वो आपको सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि हाउ टू बेसिकली अपोशन

कितना यूनिट प्रोड्यूस के फाइव थाउजेंड बी के टू थाउजेंड सी के थ्री थाउजेंड टोटल कितना हुआ टेन थाउजेंड ठीक है बहुत ईजी है देखिए हेडिंग का लिखेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप अपोर्शन कैसे कर रहे हैं देखिए पहले आप लिखिए जहाँ पर ज्वाइंट कोर्स्ट ज्वाइंट कोर्स कितनी आई है कितनी गिवन है आपको एटलीस्ट टू लैख फोर्टी थाउजेंड आपको इसको अपोर्शन करना है अपोर्शन कैसे करना जोएंग कोस्ट. जोएंग कोस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कोर्स मेथड ठीक है तो देखिए एवरेज आपको जो हो, टोटल यूनिट्स कितनी पड़ी सी दैट इज टेन थाउजेंड ठीक है तो कैसे तो एवरेज रेट बहुत इजी है दैट इज टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज यूनिट तो टोटल कितना खर्चा हो जॉइंट कॉस्ट दैट इज तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई ए बी एन सी को मिला क्या दैट इज टेन थाउजेंड दैट इज कितना खर्चा आया ट्वेंटी फोर पर यूनिट दैट्स इट यही पूछा था अब अगर हम अपोर्शन करें इसको यहाँ लिखोगे अब अपोर्शमेंट ऑफ कॉस्ट तो कैसे करेंगे अगेन इट्स वेरी इजी देखो ए का कितने यूनिट्स हुई थी फाइव थाउजेंड बी की टू थाउजेंड एंड सी की थ्री थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फोर बी का फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ये आएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड सी का थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फोर ये आपका आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड सॉरी ये आपका वन ट्वेंटी आएगा दिस वुड बी सेवेंटी टू थाउजेंड तो आप देखोगे इसका जो टोटल आएगा दैट वुड बी टू लैख फी थाउजेंड इट सो दिस इज द वे ऑफ अपोचमेंट ऑफ

देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं बेसिकली कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं एडिशनल मार्जिन ठीक है वो हम कैसे कहते हैं सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे देन यू विल गेट कंट्रीब्यूशन एंड देन कंट्रीब्यूशन में से फिस कॉस्ट लेस करोगे देन यू विल गेट प्रॉफिट ठीक है देखिए हमारी जो कॉस्ट होती है ओवरऑल जितने भी खर्चे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अगर सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट एंड फिस कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके हाथ में क्या बचेगा कहता है इट प्रॉफिट ठीक है लेकिन क्या होता है कुछ प्रॉफिट हमें हम देखते हम हैं खर्चे को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है तो कौन से खर्चे आप मिनिमाइज कर सकते हो फिक्स कॉस्ट ते ते तो कर नहीं सकते क्यों क्योंकि वो तो फिक्स है चाहे आप कितने भी कलोमीटर बनाओ चाहे टू थाउजेंड बनाओ चाहे टेन थाउजें बनाए चाहे ट्वेंटी थाउजेंड बनाओ वो तो फिक्स है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो आप मिनिमाइज कर सकते हो तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं हम कहना करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो देखिए आपको सेल्स गिवन है दैट इज ए कितने ना हंड्रेड के जी एट रुपये सिक्सटी पर के जी Given आपको 120 तो हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड देखिए कैसे करेंगे इसको देखिए पहला लिखना है आपको बेसिकली करन, अपोशमेंट करना क्या है ऊपर लिखे लिखेंगे अपॉशमेंट ऑफ देखिए आपको कौन कौन से कॉस्ट गिवन है आपको गिवन है मार्जिन कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट यही गिवन है आपको तो देखिए आपको मार्जिन कॉस्ट गिवन है कितने गिवन दैट इज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फिक्स कॉस्ट गिवन आपको थ्री थाउजेंड नाइन देखिए ऊपर हेडिंग का लिखी है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइन जॉइन कॉस्ट ए एंड बी यूजिंग मार्जिन मेथड आपको ये यूज करना है बेसिकली ठीक है तो दैट मीन हमें मार्जिनल कॉस्ट को हमें ये जो मार्जिनल कॉस्ट गिवन है आपको हमें बेसिकली इसको हमें अपोर्शन करना है ठीक है अपोर्समेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट तो, तो देखिए एक ही कैसे निकालेंगे कितने गिवन है आपको फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड हमें अपॉर्शन करना है कैसे करेंगे देखो इसको हम अपॉर्शन करेंगे कैसे देखिए हमें ये तो बता दें कि ना अपॉर्शन कर लेंगे अपॉर्शन किस बेसिस पर करेंगे हमें कुछ बेस तो गिवन हो तो यहाँ पर देखिए ए की हमें कहते हैं वेट्स गिवन है वो देखिए कितना हंड्रेड के जी एंड वन ट्वेंटी तो हमें इसी के हिसाब से करना पड़ेगा सर देखिए टोटल कितना होगा टू ट्वेंटी हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी दैट इज टू ट्वेंटी तो उसी को अपॉर्शन कर लेते हैं हम कैसे करें देखिए मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिड बाई टू ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू टू थाउजेंड ठीक है एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय ट्वेंटी डिवाइड बाय टू ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर हमने ये अपोशन मार्जिन कॉस्ट में करा क्यों हमें इसकी जरूरत है क्यों अभी देखिए बता दूँ थोड़ा दिन आपको देखिए आपका बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है देखिए सिंपल आप निकालते हो सेल्स माइनस कॉस्ट ट इज़ इक्वल टू प्रॉफ़िट ये सिंपल आपका केस होता है प्रॉफिट निकालने का लेकिन ये जो कोस्ट होते हैं बेसिकली दो टाइप के कोस्ट होते हैं देट इज़ वेरिएबल कोस्ट एंड फिस्ट कोस्ट फिस्ट कोस्ट को आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते जैसे कि रेंट आप मिनिमाइज नहीं कर सकते अनलेस अगर आप कोई और बिल्डिंग ना ले रहे हो एडिशनल जितनी बिल्डिंग होगी उतना रेंट हो ठीक है तो इसको आपको मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं है लेकिन आपके हाथ में मिनिमाइज करने का तो जो जिसको आप मिनिमाइज दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बिकॉज दे आर डायरेक्टली करते टू दी मैनुफेक्चर ऑफ रो मेटेरियल दैट मीनस जितने नंबर ऑफ रो मेटेरियल आप यूज़ करोगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती रहेगी ठीक है सो दैट मीनस आपको जो मिनिमाइज़ कर सकता है दैट इज कॉल्ड वेरेबल कॉस्ट तो जब भी कोई कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो बेसिकली क्या करता है इसको फॉर्मला किस तरह से ना होता है दैट इज सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन तो so बेसिकली क्या करते हैं वो कंट्रीब्यूशन को ही जो वो क्या करते हैं बढ़ाते हैं सर बढ़ाएंगे क्यों क्यों वेरेबल कोस्ट मिनिमाइज करना है ना तभी तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा फिर इसमें से जो है वो फिक्स कोस्ट माइनस करते हैं देन यू विल गेट प्रॉफिट भाई ये तो फिक्स कोस्ट का कुछ कर ही नहीं सकते ये तो ही चलता रहेगा ठीक है मेन अगर आपको मिनिमाइज करना है वो क्या करना है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कोस्ट जितना कम होगा देन यू कैन मैक्सिमाइज योर

तो उसके लिए वो फोकस किस पे करते हैं दैट इज ऑन दी कंट्रीब्यूशन ठीक है तो कंट्रीब्यूशन कैसा आता है दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ऑन दी बेसिस ऑफ मार्जिन कॉस्ट तो हमें मार्जिन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो तो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट सेल्स देखिए आपको आई थिंक गिवन है हाँ जी देखो सेल्स देखो कितनी है देखिए हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी सिक्स थाउजेंड वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय थर्टी दैट इज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो इसमें सारे आपका जाएगा तो यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हो अगर आपको ए का निकालना है क्या निकालना है आपको कंट्रीब्यूशन मानना कैसे निकालोगे सेल्स दैट इज सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी दैट इज सिक्स थाउजेंड मान्य लिया कॉस्ट अभी ऊपर निकाले आपने देट इज टू थाउजेंड दैट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड बी का निकालेंगे ऐसे ही हम कैसे था उसका वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय थर्टी

आपने अभी तक मार्जिनल कोस्ट का को पोर्शन करा है लेकिन फिक्स कोस्ट तो करा नहीं आप फिक्स कोस्ट कैसे करोगे आप पोर्शन तभी तो करोगे आप पोर्शन इस बेसिस पे करोगे फिक्स कोस्ट करना आपको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल तो यह चाहे तो आप यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो अपोशमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट कर रहे हो आप ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन कॉस्ट ठीक है तो कैसे करोगे देखो ए की फिक्स कॉस्ट कितनी थी दैट इज़ थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सॉरी इसको आपको ऑपरेशन करना है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड को किससे कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक है तो इसको कैसे करोगे फोर थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाय फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड मैंने इन दोनों के बेसिस पर इसको आप पोर्सन कर दिया किसको फिक्स कॉस्ट को हुँ? तो बस इसका आ जाएगा आपको थ्री थाउजेंड इसका आपका देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हमसे पूछा था कि वी नीड टू फाइंड आउट जॉइंट कॉस्ट ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड तो पहले तो मैंने क्या करा कि मार्जिन कॉस्टिंग को मैंने यूनिट यानी कि इसके जो फिजिकल यूनिट थी उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया क्योंकि मार्जिन कोर्स तो जितने नंबर ऑफ़ यूनिट होंगे जितने नंबर ऑफ के जितने आप उस मेटर इनपुट डालोगे उसके हिसाब से आपकी कोर्स बढ़ेगी तो मार्जिन कोर्स तो किस पर डिपेंड होता है दैट इज़ कितने नंबर ऑफ आप एज इनपुट होते पर डाल रहे हो तो इसलिए मैंने इसका बेस क्या लिया फिजिकल यूनिट लेकिन फिस्ट कोस्ट को ठीक है लेकिन फिस्ट कोर्स का को जो मुझे अपोर्शन करना हो करना ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन कोस्ट क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था देखिए कंट्रीब्यूशन निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्रीज को निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल ठीक है तो बस मैंने ये वही मेथड अप्लाई कर रहा दैट्स इट हम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर X and Y manufacture three joint product A, B and C. The actual joint expense manufacture for a period were rupees eight thousand. यानी कि आपको joint cost given है eight thousand.

ठीक है यानी कि आपको मिलने वाला टारगेट क्या दैट इज टू परसेंट दी जॉइन कोस्ट जॉइन कोस्ट यहाँ पर क्या है आठ हज़ार ठीक है लेकिन आठ हज़ार की कोस्ट भी तो कुछ निकालोगे उसको किस किस बेस पे करोगे ठीक है यानी कि पहले आपको उसकी टोटल जॉइन कोस्ट निकालनी पड़ेगी देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर फोर तीन प्रोडक्ट आपके पास ए बी एंड सी क्या क्या गिवन आपको आपको देखिए यहाँ पर क्या हम रिवर्स कॉस्ट में हम सेल्स स्टार्ट करेंगे सेल्स फॉर ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी कितनी गिवन है सेल्स आपको सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब इसमें से हम कैलेश करेंगे दैट इज़ प्रॉफिट

One thousand, then fifteen percent of two thousand five hundred three seventy five. A bakkebaska that is called cost of sale, that is four thousand two hundred three thousand and two thousand one hundred and twenty five. अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फर्दर आपको गिवन है देखिए आपको फॉर्मेट याद ही होगा ऊपर पड़ेगा हमने देखिए हमें क्या करना है हमें यहां तक पहुंचना है हमें बेसिकली यहां तक पहुंचना है कैसे करोगे भाई सेल्स में से हमने सारी जो है प्रॉफिट निकाल लिया प्रॉफिट निकालने के बाद हमें ये माइनस करना है ये माइनस करोगे तब आपको जो बचा कुछ उनसे कोर्स बचा अच्छा जो है कोर्स बचा बचाओगा तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रिवर्स कोर्स मेथड देखिए तो प्रोसेसिंग कोर्स आपको गिवन है कितने कितने गिवन है देखिए टोटल गिवन है आपको फोर फिफ्टी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड वन फिफ्टी देन at लास्ट यू विल गेट ज्वाइंट कॉस्ट मैनेज करके आपका आएगा थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है ये आ गया देखिए हमारा मेन मोटिव तो ये था कि हमें ज्वाइंट कोस्ट को करना है लेकिन अब तक हमने इनको ना अपोशमेंट नहीं करा हमने ये जो निकाला है ज्वाइंट कोस्ट हमने देखा एज पर सेल्स ठीक है लेकिन हमने बेसिकली इसको अपोसमेंट नहीं करा ठीक है अपोर्समेंट क्यों क्योंकि देखिए अगर आप इसको टोटल करोगे देखिए अगर आपको इन सबको टोटल जो करोगे वो आपका टोटल आ है दैट इज एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लेकिन एक्चुअल में आपकी जॉइंट कॉस्ट है कितने नहीं अब देखिए गिवन आपको एट थाउजेंड जोन कोस्ट कितने गिवन एट थाउजेंड लेकिन आपके जोइन कोस्ट यहाँ पे कितने है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड तो आप आपको अपोर्सन तो आपको एट थाउजेंड करना है ना तो देखिए वो कैसे करेंगे यहां पर हेडिंग लिखिए अपोर्समेंट ऑफ जॉइन कॉस्ट ही क्ली निकालोगे देखिए एट थाउजेंड को आपको अपोर्शन करना है कैसे अपोर्शन करोगे टोटल कितना आया था एट था थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड आपका आंसर कितना कहता है आंसर में थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड बस आपको एक्चुअल जो फिगर मिलेगी दैट इज थ्री फाइव सेवन वन टू फाइव फोर एट वन एट एट वन ठीक है सो so, अब आप इनका टोटल करोगे तो आपको क्या देगा दैट इज एट थाउजेंड आपका पोर्शन तो यही करना था ठीक है सो दीज आर दाइनल आंसर ठीक है तो आपको याद रखना जब भी अपोर्शन जब आप टोटल करोगे याद जो आपकी टोटल जो जो कॉस्ट है वो आपके इसके इक्वल आए अगर मान लो ये इसी का टोटल जहाँ पर एट थाउजेंड आ जाता था, तो हम करते नहीं आगे कुछ हमारा ये फाइल आंसर आ जाता छोटा हो जाता लेकिन हमारा आंसर जो कुछ और आए इसलिए हमें देखो एट थाउजेंड के बेसिस पे इसको हमें अपॉर्चमेंट करना पड़ा ठीक है चलिए नाउ मूविंग टू तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ The XY company manufactures one main product and two by-products. Data for a month are shown below. आपको एक मेन प्रोडक्ट गिवन है और दो बाय प्रोडक्ट्स गिवन हैं। सेल्स गिवन हैं को 150 फॉर मेन प्रोडक्ट, 12,000 फॉर बाय प्रोडक्ट, 7,000 फॉर बाय प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर्स गिवन आपको बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गिवन आपको तीनों क रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग जो खर्चा जो बेचने पर आए दैट इज सेलिंग जितने सेलिंग एक्सपेंसिस इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है तो मेन दैट इज एटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स बायो प्रोडक्ट में टेन परसेंट एंड ए में एंड बायोडक्ट बी में फाइव परसेंट नेटिटन आपको ट्वेंटी

सेवन थाउजेंड दे इसमें से हम लेस करेंगे दैट इज प्रॉफिट प्रॉफिट आपको इन परसेंटेज गिवेन है आपको हाउ मच दैट इज ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट एंड टेन परसेंट सो ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन फिफ्टी दैट इज थर्टी थाउजेंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड दैट इज वन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ सेवन थाउजेंड दैट इज सेवन हंड्रेड गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके क्या हो गया आपके पास दैट इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंडन सॉरी टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये आपके पास क्या आएगा दट इज कॉस्ट ऑफ

लेकिन पहले ये तो पता चले कि तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ कितना ये पता कैसे चलेगा आपको देखिए आपके जितने भी को खर्चे हुए हैं मैनुफैक्चरिंग कोस्ट जिसमें बिफोर सेपरेशन भी हुआ, आफ्टर हुआ और आफ्टर कोस्ट, तो तो कोस्ट और एडमिशन कॉस्ट हुआ ठीक है तो देखिए अगर हम देखिए आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल देखिए देखिए टोटल कॉस्ट गिवन आपको देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको हमको निकालना है सेलिंग एक्सपेंसेस वो आपको इन परसेंट गिवन है वो कि जितना भी सेलिंग एक्सपेंसिस इंक्लड हुआ उसको हमें जो है इस परसेंट में डिवाइड करना है लेकिन हमें सेलिंग एक्सपेंसिस गिवन ही नहीं है तो हम कैसे करें अगर हमें टोटल सेलिंग एक्सपेंस गिवन होता तो, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता लेकिन मेन क्वेश्चन जो फंसा हुआ है वो वो हमें निकालना है दैट इज़ सेलिंग एक्सपेंसिस कैसे निकालेंगे देखिए टोटल कॉस्ट हमें पता है कितनी कहते हैं देखिए जैसे वन ट्वेंटी टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड लेकिन अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा टोटल कॉस्ट अगर हम इन सबको ऐड करें दट इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो आपके पास टोटल आ जाएगा दैट इज वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यही आएगा अगर मैं इसमें से जितने भी और बाकी जो खर्चे हैं वो लेस कर दूंगा तो बाकी खर्चा कौन सा बच जाएगा दैट इज कॉर सेलिंग एक्सपेंसेज सर so, कहने का मतलब यानी कि अगर मैं इसमें से ठीक है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दोनों ही निकाल दूं तो हाँ पर कौन सा खर्चा बच जाएगा दैट इसको सेलिंग एक्सपेंसेस ठीक है ना ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी दो प्रकार दो तरीके हुई दैट इज कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना कितना खर्चा हुआ बिफोर हुआ सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड आफ्टर हुआ आपका ट्वेल्व थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड सॉरी सॉरी आफ्टर लेना मुझे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड वन थाउजेंड एट हंड्रेड एटलीस्ट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फिर आप एडमिशन कॉस्ट बेस कर दो माइनस कर दो सॉरी वो आ जाएगी आपकी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट्स इट ड्रेस्ट यू विल गेट सेलिंग एक्सपेंसिस दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है बस आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपको रेशो गिवन है कितनी गिवन है आपको दैट इज एटी फाइव परसेंट टेन परसेंट एंड फाइव फाइव परसेंट वो गिवेन है आपको तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेस करेंगे अब आप करोगे पहले लेस करोगे आप सेलिंग uh, एक्सपेंसेज 85 फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज सेवनटी थाउजेंड ठीक है ऐसे बाकी और कर दोगे डेट इज ये आ जाएगा आपका टू थाउजेंड एंड ये आपका आ जाएगा दैट इज वन थाउजेंड तो बस यहाँ पर इसको लेस कर देंगे लेस करने के बाद आपके पास जाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास जाएगा दट इज वन लैख थ्री थाउजेंड ये आपके पास जाएगा एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब इसमें से हम क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि आपको अग्निवे ट्वेल्व थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड

कॉस्ट कितने गिवन थे गिवन थी आपकी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड टू हंड्रेड वन थाउजेंड एट हंड्रेड वह पचूक सर आपने बिफोर ऐड करे अरे बिफोर कैसे करेंगे हम तो निकालना ही ज्वाइन जॉइन कॉस्ट है वो तो होती है बिफोर है ठीक है आप तो वही करना है ट ज्वाइन कॉस्टी एट थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दावेशन हो गया तो ये था हमारा बेसिक तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइव क्वेश्चन किए हैं हमने इसमें बेसिक किया कि हम ज्वाइन प्रोडक्ट क्या होता है बायो प्रोडक्ट क्या, क्या होता है उसका प्रोसेसिंग क्या होता है मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कुछ हमने मैथड्स पढ़े इसके ठीक है सो दिस इज द वे ऑफ अपॉर्टमेंट ऑफ जॉइन कॉस्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल फिनिश अप दिस चैप्टर